मधुमेह विश्व मधुमेह दिवस है और लायंस क्लब ने इसका ज्यादा ख्याल रखा कि आज मधुमेह डायबिटीज जो है ये विश्व में भारत की राजधानी बनने जा रही है और हो गई कितने आदमी डायबिटीज। जो डॉक्टर पप्पू ने बताया कि दवा बांटे जितने आदमी आए करीब 200 से ज्यादा आदमी आए, लगभग 30% आदमी उसमें डायबिटीज से पीड़ित थे जिनको मालूम नहीं था कि हमको डायबिटीज है या नहीं है। तो मैंने सलाह दी है सबको, जीवन शैली को बदलना पड़ेगा, रहन सहन बदलना पड़ेगा और खुद न खुद कुछ जागरूकता अपने आप जाननी पड़ेगी। जैसे डायबिटीज का लेमैन के लिए लक्षण है ज़्यादा पेशाब होना, भूख ज़्यादा लगना, थकावट महसूस होना और प्यास ज़्यादा लगना। यदि ये लक्षण आ जाए किसी में भी तो समझे कि हमको डायबिटीज हो गया या होने जा रहा है, वो जरूर जांच करें। परहेज में है मांस के लिए कि कम से कम आलू चीनी मिठाई ना खाएं, परहेज करें, ज़्यादा जमीन के नीचे का सामान ना खाएं, रोटी खाएं, हरी सब्जी ज़्यादा ज़्यादा हरी सब्जी पर ध्यान दें, मीट मछली खानी है 2 पीस ज़्यादा सप्ताह न खाएं। ये सलाह है, वेट गेन हो या वेट लॉस हो दोनों में ये कारगर होता है। इसलिए यही सलाह है हमारी सबके लिए, देशवासियों के लिए, डायबिटीज से बचें। ये खतरनाक बीमारी है, ये आँख खत्म कर सकती है, किडनी खत्म कर सकती है और हार्ट खत्म कर सकता है। इसलिए इस तरह से साइड इफेक्ट इतना खराब है कि अनकेरेबल है। क्या नाम है सर? डॉक्टर एस एन यादव, अध्यक्ष लायंस क्लब। हाँ सर, बताया जाए लायंस क्लब की तरफ, लायंस क्लब के द्वारा जो आज ये जाँच शिविर लगाया गया है डायबिटीज के लिए, इससे क्या संदेश देना चाहेंगे? चलिए, मधुमेह दिवस के अवसर पर लायंस क्लब इंटरनेशनल के द्वारा पूरे भारत में 22 नवंबर से 29 नवंबर तक मधुमेह जांच और अवेयरनेस के बारे में पूरा कैंप चलाया जा रहा है पूरे देश में। उसमें लायंस क्लब मधेपुरा के द्वारा 29 तारीख को हम लोग मधेपुरा वासियों के लिए निःशुल्क जांच और परामर्श केंद्र आज हम लोग चालित किए, जिसमें करीब 200 पेशेंट का हम लोग स्क्रीनिंग किए, 200 से ज़्यादा, जिसमें 50 ऐसे मरीज आए जिनको पता नहीं था कि हमको ब्लड शुगर है और उनको 300 से 400 के करीब जो है उनका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ था। तो उनको हम लोगों ने किस तरह परहेज जीवन में लाया जाए, कैसे खाने पीने में परहेज किया जाए, किस तरह वो अपने जीवन शैली को करे जिसके चलते चीनी का बीमारी ना हो, ये समाज में हम लोग आज संदेश देने का काम किया। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर आर के पप्पू, सचिव लायंस क्लब।